देश भर में कैसा है मौसम, मॉनसून पर क्या है अपडेट, जानिए कब मिलेगी राहत। मौसम धीरे धीरे बदल तो रहा है, लेकिन लोगों को राहत की जगह आफत मिल रही है। वजह है बारिश के बाद बढ़ती उमस। बारिश तो हो रही है, लेकिन उसके बाद जो पूरे दिन लोगों को पसीना आ रहा है, उससे उनकी हालत खराब हो रही है। दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में आज बारिश होने की बात कही गई है। दिल्ली में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो जाएगा। विभाग के मुताबिक आज भी ये बारिश हो सकती है। वहीं देहरादून और नैनीताल समेत उत्तराखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देश भर में मौसम को देखते हुए विभाग की ओर से कहा गया है कि ज्यादातर राज्यों को अब हीटवेव से राहत मिलेगी, तो वहीं दिल्ली से लेकर यूपी तक बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में राहत की खबर यह है कि कुछ राज्यों में मॉनसून की एंट्री हो गई है, तो वहीं कुछ राज्यों में अभी मॉनसून की एंट्री होनी बाकी है। मौसम विभाग की माने तो कल यानी बीते दिन प्रायद्वीप के हिस्सों और पूर्वी भारत के हिस्सों में मॉनसून आगे बढ़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली में मॉनसून की एंट्री का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली में आज हल्की बारिश होने की बात कही है। दिल्ली में मॉनसून की एंट्री की बात करें तो दक्षिण भारत से चलकर अब मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य भारत और फिर 29 जून तक दिल्ली NCR पहुंच सकता है। यूपी में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की दस्तक के बाद कई शहरों में हुई झमाझम बारिश से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। बारिश के बाद शुक्रवार सुबह से ही लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज सहित पश्चिम यूपी के जिलों में काले घने बादल छाए हुए हैं। आज भी प्रदेश के 40 से ज्यादा शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं लगातार हो रही बारिश से ठंडक बढ़ी है। बारिश थमने के बाद से ही उमस भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे मॉनसून यूपी को हिट करेगा। इसके साथ ही राजस्थान का मौसम भी ऐसे ही बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से राजस्थान के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, अलवर, कोटा, बूंदी, बारां और भीलवाड़ा में तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से यहां तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। जाहिर है कि बिपरजॉय तूफान आने के बाद से ही इलाके जलमग्न हो गए थे, जहां बाढ़ जैसे हालात दिख रहे थे। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, कोंकण और गोवा में भी हल्की बारिश हो सकती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।